गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है कौन है वीडियो के साथ। सो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आज खड़ी है हमारे साथ टीवीएस के आरटीआर 160 जो कि डबल डिस्क वेरिएंट है, तो इसी का है आज मैं आपको टोटल रिव्यू देने वाला हूं। ये जो मॉडल है ये न्यू मॉडल आप 2024 जैसे कि बोल सकते हैं, और इसका जो है क्या प्राइस पड़ेगा, क्या चेंजेस किया गया है, क्या ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है, क्या माइलेज देगी, क्या फीचर्स एड ऑन कर दिया गया, तो सारे डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो जाइए वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूं मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लैक एंड फिनिश के साथ यहाँ पे वाइजर मिल जाता है जो कि 100% ये पूरी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग, और इसकी हेडलाइट की मैं बात करूँ तो दोनों साइड पहले आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि नाइट पे ये काफी तगड़ी लुक ये लगती है। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर की मैं बात कर लूँ तो वही आपका हैलोजन मिल जाता है। यहाँ पे टीवीएस का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ब्रांडिंग दे दिया गया है। यहाँ पे आपको हेडलाइट जो है हाई बीम लो बीम मिल जाता है जो कि इसकी नाइट विजन काफी तगड़ी रहती है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं ना इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन दे दिया गया है। अब मडगार्ड आपको डुअल टोन में मिल जाता है जो कि एक साइड वहां पे आपको ब्लैक एंड फिनिश और रेड का ग्लोसी ब्लैक आपको मिल जाता है, और यहां पर आपको सुपर मोटो एबीएस का ब्रांडिंग मिल जाता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है, और यहां पे आपको स्टिकरिंग का यूज किया गया है जो कि कार्बन टच, और यहां पे सिंगल टोन स्टिकरिंग का यूज किया गया है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर दिया गया है 270 mm, और 90-90-17 का टायर साइज, और 431 का आपको व्हील साइज मिल जाता है। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक डबल डिस्क मिल जाता है, एलॉय पे टीवीएस रेसिंग का आपको स्ट्रिप्स मिल जाता है जो कि दिखने में काफी तगड़ी लुकी लगती है। मैं अब हैंडल बटन और इसकी मीटर कंसोल की बात करूँ क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बटन दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है येलो कलर में, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर, और ये होना जाता है। हॉर्न जो इसमें दिया गया है वह डुअल हॉर्न मिल जाता है जो कि इसकी साउंड काफी तगड़ी लगती है। राइट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मोड दिया गया है जो कि यहाँ पे मैं मोड प्रेस किया तो यहाँ पे रेन मोड आ गया, और एक बार प्रेस किया तो अर्बन, और एक बार प्रेस किया तो स्पोर्ट, यानी कि तीन मोड मिल जाता है। यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल की बात करूँ तो एक बार मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का इंडिकेशन, इंजन माल फंक्शन, एबीएस, न्यूट्रल, फ्यूल की लो इंडिकेशन और टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आरपीएम का मीटर पूरी दिया गया है, यहाँ पे टाइमिंग बताता है, फ्यूल का इंडिकेशन, स्पीडोमीटर जो कि 160 का टॉप स्पीड है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप टू, और हाई स्पीड देखिए 156 का यहाँ पे दिया गया है और 60 अभी तक यहाँ पे चला हुआ है, और यहाँ पे ओडोमीटर आपको बताता है साइड स्टैंड का करंट का यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको तीन मोड दिया गया है जो कि यहाँ पे मैं प्रेस किया तो रेन, अर्बन और स्पोर्ट मोड, और इसकी मैं की बात कर लूँ तो इस टाइप का आपको की मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, इसे लुक जो है की का काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे आपको की के जस्ट बैक पे यहाँ पे आरटीआर 160 का आपको ब्रांडिंग दिया गया है। कि मैं अब राइट प्रोफाइल की बात करूँ तो टैंक की बात करें तो टैंक जो इसमें मिलता है ना टोटल आपको 12 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको E20 का स्टिकरिंग यहाँ मिल रहा होगा, यानी कि देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिक्स रहती है, वही 20 कहलाता है। यहाँ पे आपको स्टिकरिंग का यूज किया गया है जो कि रेसिंग सीन्स 1982 का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ की मैं बात करूँ तो थोड़ी बोल्ड लुक में अपाची आरटीआर दिखती है, टीवीएस का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, साइड में यहाँ पे डुअल टोन का स्टिकरिंग का यूज किया गया जो कि रेड कलर में काफी अच्छी ये और तगड़ी लुक ये दे रही है। यहाँ पे आपको आरटीएफआई रेस्ट ट्यून का ब्रांडिंग मिल जाता है जो कि कार्बन टच फिनिशिंग का यहाँ पे यूज किया गया। लेगार्ड की मैं बात करूँ ये भी पूरी आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ काफी मजबूती जो है ना बिल्ड क्वालिटी बोलवे मत करिए एक नंबर है। यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिल जाता है जो कि टीवीएस रेसिंग लुक आपको ब्रांडिंग दिया गया जो कि ये है, ये आपको फाइबर में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि सीट के जस्ट नीचे यहाँ पे पूरी कार्बन टच फिनिशिंग का यहाँ पे यूज किया गया है, अपाची का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आप इसकी फुटेज देख रहे हैं, ये भी टर्नेबल काफी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे यूज किया गया है। गियरबॉक्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ ये आती है, सेकंड फुटरेस्ट ये भी पूरी मेटल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे चैन कवर आप जो देख रहे हैं आपको फाइबर हाफ चैन कवर मिल जाता है क्योंकि ये सेगमेंट जो है ना ये आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में ये आती है। यहाँ पे आप जो रियर सस्पेंशन देख रहे हैं
इसमें आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस सॉक्स, आपको रियर सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है। साड़ी गार्ड पूरी यहाँ पे आपको मेटल में दिया गया, और जो लेडीज फुटरेस्ट रहती है वो एसेसरीज में लगा कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं RTR 160 इंडिया का फ्लैग, जो कि शुरुआत से स्टार्टिंग से देता है TVS, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको पूरी स्टिकरिंग का यूज मिल जाता है, यहाँ पर भी पूरी कार्बन टच फिनिशिंग का यूज किया गया है। सो गाइस, जब मैं बात करूँ इसकी सीट की, तो सीट जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डुअल टोन में आपको सीट मिल जाता है, जो कि एक साइड पूरी डिजाइनिंग किया गया है, एक साइड पूरी प्लेन है, रेड कलर का स्टिचिंग यहाँ पे किया गया है, जो कि इसकी मैं सीट कंफर्टेबल यानी कसन के बात करूँ काफ़ी कंफर्टेबल सीट रहती है। तीन लोग इसमें आराम से बैठ कर कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और इसकी ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी स्पॉट लुक वाली आपको मिल जाती है स्प्लिट, जो कि पूरी मेटल की क्वालिटी में यहाँ पे यूज किया गया है। टेल लाइट की मैं बात कर लूँ तो टेल लाइट के जस्ट ऊपर यहाँ पे पूरी स्टिकरिंग दिया गया है, और टेल लाइट जो है आपको LED टेल लाइट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ये नाइट विजन जो रहती है ना गाइस, काफ़ी तगड़ी ये लुक देती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का इंडिकेशन मिल जाता है हेलोजन में, कार्बन टच फिनिशिंग का यूज किया गया है, मीटर की छोटी सी लाइट, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे मडगार्ड दिया गया है थोड़ी स्टाइलिश लुक में, रेड कलर का रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया है, दोनों साइड येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है यहाँ पे। और चलिए राइट प्रोफाइल में मैं देखता हूँ, तो राइट प्रोफाइल में यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरी आपको वही इंजन कार्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पोर्ट लुक में ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे TVS इंजन का TVS का लोगो मिल जाता है, कवर थोड़ा हाफ कवर यहाँ पे दिया गया है, ब्रेक लीवर जो है ये भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे की डालने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे की डालकर इसे खोलकर गाड़ी के कागज पत्तर वगैरह आराम से इस पर रख सकते हैं। साइलेंसर यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, काफी लॉन्ग साइलेंसर यहाँ पे मिल जाता है, स्टील प्लेट का यूज किया गया है, जो कि RTR यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका मैं एग्जॉस्ट साउंड भी आपको चेक कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मीटर दिया गया है 200 mm, और टायर साइज आपको रियर का मिल जाता है 120/70/17, और 431.8 mm का व्हील साइज इस पे मिलती है। सो गाइस, अभी इसका इंजन स्टार्ट करते हैं और इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है, तो चलिए आपको चेक कराते हैं। अब इसकी इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए, तो इंजन 159.7 सीसी का मिलता है, जो कि SI 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSC फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही आती है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 16 PS, और टॉर्क 13.85 Nm। दोनों में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, ये स्पोर्ट सेगमेंट में आती है, सिंगल चैनल ABS इस पे दिया गया है, लिंग मोड्स मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर सारा आपको डिजिटल में देखने को यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, और एडिशनल फीचर्स जो है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम पावर अर्बन रेंज में 13.32 PS, और इसमें जो है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ब्रेक फ्लूइड, और सारा आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है। इसकी डायमेंशंस की बात किया जाए तो 1105 mm का हाइट, 2085 mm का इसमें लेंथ मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, और व्हील बेस 1300 mm का आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूँ, सारा डिटेल्स आपको इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा दे दिया, तो मेन मुद्दे पर मैं बात करता हूँ इसके प्राइस और माइलेज की। तो माइलेज जो है, ये गाड़ी जो है आपको 159.7 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, तो माइलेज कंपनी क्लेम करता है 47 km/L, बट आप एक्चुअल में इसे आराम से चलाते हैं, ज़्यादा रेलते नहीं ना है, तो ये 40 से 45 का माइलेज ये आराम से निकाल कर देगी आपको। और मैं बात करूँ इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस का, तो इस गाड़ी का जो अभी का कीमत है 2024 का, वो 1,52,688 आपको पड़ेगा, यानी कि 1,52,688 आपको ऑनलाइन पड़ जाएगा। और मैं बात करूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको 160 सीसी के सेगमेंट में बाइक लेनी है, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक यानी कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि TVS अपाची RTR कितनी स्टार्टिंग से, कितनी पहले से आ रही है, और अभी तक जो है मार्केट में ये तबाही मचाते रही है, और काफ़ी अच्छी बाइक है, मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगा, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक्स टू लक्की ऑटोमोबाइल्स कोलिब्रा मुझे बाइक प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप कोई भी TVS की बाइक या स्कूटी वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो इनसे एक बार आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, तो जाइए एक बार आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय।
laugh at the folks that live so high.